ओके तो हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज कंपाइलर डिज़ाइन। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द चैप्टर। सो द पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में वी आर जस्ट गोइंग टू सी द ओवरव्यू ऑफ ऑल द फेजेस कि जब आप कंपाइलर को बनाते हैं, सो व्हाट आर द फेजेस इन द कंपाइलर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर, एंड इफ समथिंग इज़ रिक्वायर्ड मे बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिस बेसिक्स देन आई कवर इट, अदरवाइज देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दिस। नाउ ऑल द फेजेस ऑफ कंपाइलर दे आर वन चैप्टर। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट चैप्टर इज लेक्सिकल एनालिसिस, द सेकेंड चैप्टर इज सिंटेक्स एनालिसिस, राइट, द थर्ड चैप्टर हियर इज SDT, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, रन टाइम एनवायरमेंट, कोड जनरेशन एंड मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास कंपाइलर के अंदर फेजेस होते हैं, ऑल द फेजेस दैट वी हैव इन अ कंपाइलर, वी हैव क्रिएटेड वन सिंगल चैप्टर डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ दोज फेजेस। सो इवन दो अगर हम लोग जो इंट्रोडक्शन चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर में इवन इफ़ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड रिगार्डिंग ऑल ऑफ दोज फेजेस, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फेज का नाम क्या है, दैट्स इट। बिकॉज वी आर गोइंग टू लुक एट ईच ऑफ दिस इन यू नो इन योर चैप्टर्स, तो हम लोग उन सबको इन डेप्थ स्टडी करेंगे एज अ चैप्टर इन कंपाइलर डिज़ाइन। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव कवर्ड येस्टरडे ऑल्सो। तो आपके पास कंपाइलर है, राइट, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द फेजेस व्हेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। सो यू गिव अ हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम टू अ प्री प्रोसेसर, एंड दिस प्री प्रोसेसर गिव्स अस अ मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम दैट रिमूव्स योर यू नो सम ऑफ द थिंग्स, जैसे आपके पास मैक्रो स्टेटमेंट्स हैं, मैक्रो स्टेटमेंट लाइक हैश डिफाइन स्टेटमेंट, यू हैव टाइप डेफिनेशन स्टेटमेंट, यू हैव न्यू लाइन कैरेक्टर्स, यू हैव टैब एंड स्पेसेस, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो प्री प्रोसेसर यहाँ से रिमूव करेगा, एंड देन वी गिव अ प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू कंपाइलर। ओके, एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग। ये जो कंपाइलर सब्जेक्ट है इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एंड फ्रॉम दिस कंपाइलर वी गेट अ टारगेट असेंबली कोड। तो हमारे पास जो असेंबली कोड है, जैसे वी हैव मशीन इंस्ट्रक्शंस, असेंबली कोड इज समथिंग लाइक दिस, एड आर नॉट कॉमा आर वन, सो दिस इज द काइंड ऑफ असेंबली कोड दैट यू कैन गेट। मशीन इंस्ट्रक्शंस मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी, एंड देन वी गिव दिस टू असेंबलर। तो असेंबलर से हमारे पास मिलता है रिलोकेटेबल मशीन कोड, ठीक है, और जो रिलोकेटेबल मशीन कोड है दैट यू गिव टू अ लोडर एंड अ लिंकर विच गिव्स योर टारगेट मशीन कोड। तो यहाँ पर ये जो फेजेस हैं, जैसे असेंबलर, रिलोकेटेबल मशीन कोड, टारगेट मशीन कोड, मोस्ट ऑफ दीज फेजेस आर रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू यूज़ द रिलोकेटेबल मशीन कोड एज वेल एज इट इज़ गोइंग टू यूज़ द लोडर एंड लिंकर। इट इज़ गोइंग टू यूज द लोडर टू लोड द प्रोग्राम इन द मेन मेमरी, इट इज़ गोइंग टू यूज़ द लिंकर to link the various modules of the program, या फिर जो भी आपके स्टब कोड है उन सभी को लिंक करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेगा। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस लोडर एंड लिंकर दीज फेजेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, सो राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस फेज विच इज़ योर कंपाइलर एंड वट इज़ द डिफरेंट फेजेज इन द कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर के फेजेज कौन कौन से हैं। सो टू अ कंपाइलर वी गिव अ करेक्टर स्ट्रीम, एंड देन दिस कैरेक्टर स्ट्रीम इज़ गिवन टू समथिंग कॉल्ड एज लेक्सिकल एनालाइजर। सो दिस लेक्सिकल एनालाइजर गिव्स अस अ टोकन स्ट्रीम, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। यू गिव दिस स्ट्रीम ऑफ टोकन्स टू योर सिंटेक्स एनालाइजर, एंड दिस सिंटेक्स एनालाइजर क्रिएट्स अ सिंटेक्स ट्री, और यू कैन से इट क्रिएट्स अ पार्स ट्री। इसको आप सिंटेक्स ट्री भी बोल सकते हैं और इसको आप पार्स ट्री भी बोल सकते हैं। Then you give this parse tree to semantic analyzer, and this semantic analyzer gives us a syntax tree again, but this syntax tree is semantically verified. ये जो syntax tree है ये semantically verified है। I will tell you what is the meaning of semantically verified in some time. And after this we give this to intermediate code generator. तो जो intermediate code generator है, we have different kinds of formats to represent the intermediate code. सो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द वेरी फेमस फॉर्मेट हियर इज़ थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड के अलावा भी हमारे पास और भी सभी फॉर्मेट्स हैं, बट दिस थ्री एड्रेस कोड इज़ द मोस्ट फेमस फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मिलता है थ्री एड्रेस कोड। ठीक है,
एंड वी गिव दिस थ्रेडस कोड टू मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर. तो ये जो कोड ऑप्टिमाइजर है, दिस इज़ एन ऑप्शनल फेज. ये एक ऑप्शनल फेज है किसी भी कंपाइलर के अंदर. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक कंपाइलर इसको इम्प्लीमेंट करे, बट इम्प्लीमेंटिंग दिस विल मेक द कोड यू नो ऑप्टिमाइज एज वेल एज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड विल बी फास्टर. देन वी गेट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन अगेन. हेयर ऑल्सो वी गेट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. दोनों इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन सेम टाइप की है. फॉर एग्जाम्पल हेयर बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग थ्री एड्रेस कोड ओनली. बट डिफरेंस इज कि यहाँ पर ये जो थ्री एड्रेस कोड है ये ऑप्टिमाइज नहीं है, और यहाँ पर जो ये थ्री एड्रेस कोड है ये एक ऑप्टिमाइज थ्री एड्रेस कोड है. ओके, देन वी गिव इट टू टारगेट कोड जनरेटर. हम इसको टारगेट कोड जनरेटर के पास देते हैं. सो दिस टारगेट कोड जनरेटर गिव्स अस एन असेंबली कोड. तो जो असेंबली कोड है यहाँ पर, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिशन आर नॉट कॉमा आर वन, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन असेंबली कोड, राइट. और ये जो असेंबली कोड होता है, वी गिव दिस असेंबली कोड टू मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर. तो ऐसा जो ऑप्टिमाइजर है जो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, फर्दर वी गेट अ टारगेट मशीन कोड. ठीक है, ये जो सभी आपके फेजेस हैं कंपाइलर के अंदर, दे टेक द हेल्प ऑफ टू थिंग्स. वन इज़ योर सिंबल टेबल एंड सेकेंड वन इज़ योर एरर हैंडलर. एक आपका सिंबल टेबल है और दूसरा यहाँ पर एरर हैंडलर है. सो दीज आर टू डिफरेंट मॉड्यूल्स, राइट. सो दिस सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलर दे आर कनेक्टेड विद ऑल द फेजेस हियर. ये सभी फेजेस के साथ कनेक्टेड होते हैं बिकॉज एवरीवन टेक्स द हेल्प ऑफ एरर हैंडलर एज वेल एज सिंबल टेबल. तो सिंबल टेबल का मतलब क्या है, एरर हैंडलर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल टेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर हैंडलर, आई ऑल्सो डिस्कस दैट इन माई सब्जेक्ट. तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दिस फर्स्ट लेक्चर. आई गिव यू सम एग्जाम्पल ऑफ सिंबल टेबल एज वेल एज सम एग्जाम्पल्स ऑफ एरर हैंडलर्स. ठीक है, so this is one of you know example how the code will look like in all of these phases. जैसे सबसे पहला जो आपका कोड है, so this code is given as position is equal to initial plus rate multiplied by 60. so this statement is given in C language. ये जो statement है ये C language के अंदर given है. so when you give this statement to this lexical analyzer, जब आप statement to lexical analyzer के अंदर देंगे, सो दिस लेक्सिकल एनालाइजर विल गिव अस स्ट्रीम ऑफ टोकन्स. ये क्या दिखा रहा है आपके पास, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स. तो ये जो टोकन्स होते हैं, सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोकन. जैसे इन अ टोकन वी कैन हैव एन आइडेंटिफायर. आपके पास यहाँ पर कोई आइडेंटिफायर हो सकता है. नाउ वी कैन हैव सम ऑपरेटर्स, आपके पास कुछ ऑपरेटर्स हो सकते हैं, करेक्ट. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है. तो बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन बिकॉज आई थिंक ये आप सभी के साथ विजिबल नहीं होगा. दोज हु आर नॉट वॉचिंग द लेक्चर्स ऑन लैपटॉप, तो ये सब चीज़ें शायद आपके साथ विजिबल नहीं होगी इन योर मोबाइल फ़ोन. ठीक है, अब देखो जैसे कोई स्टेटमेंट आपके पास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द स्टेटमेंट विच इज़ पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 100. क्या आपके पास पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 60. ठीक है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है. अभी स्टेटमेंट में आपके पास जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो पोजीशन जो है, पोजीशन इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कीवर्ड. इनिशियल सॉरी आई एम सो सॉरी पोजीशन इज़ रिप्रेजेंटिंग अ आइडेंटिफायर. ये एक आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करता है. This equal to sign is representing an operator. ये operators को represent करता है. This initial is representing an identifier. ये एक identifier को represent करता है. This plus is representing an operator. This rate is again representing an identifier. This multiplication is again representing an operator. And here this 60 is representing a constant value. तो ये जो है ये constant value को represent कर रहा है. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं पूरे स्टेटमेंट में, हमारे पास आइडेंटिफायर ऑपरेटर आइडेंटिफायर ऑपरेटर आइडेंटिफायर ऑपरेटर एंड वी हैव अ constant value. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली टोकन्स. तो टोकन्स का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पर आपके पास लेक्सीम्स हैं, जैसे वी हैव लाइक टोकन, we have identifiers, we have keywords, we have operators, we have constant,
ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग योर लेक्सीम्स. ठीक है, हम क्या बोलते हैं इनको, दिस वर्ड कॉल्ड एज लेक्सीम. ठीक है, तो लेक्सीम का मतलब क्या है? देखो, जैसे ये जो स्टेटमेंट आपके पास है, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, सो जनरली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल फॉर दिस. आप इसके लिए एक टेबल बनाएंगे. सो इन दिस टेबल आई एम गोइंग टू राइट अ लेक्सीम एंड आई एम गोइंग टू राइट द टोकन. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास पहला है यहाँ पर पोजिशन. ठीक है, सो पोजिशन इज रिप्रेजेंटिंग अ लेक्सीम. And what is a token? So this is representing an identifier that can be written as ID. The second is equal to sign. अब ये जो equal to sign है, this is representing an lexeme. और ये क्या represent कर रहा है यहाँ पर? It is representing an operator. Then we have initial. अब ये जो initial है, initial is representing an identifier. Initial जो है यहाँ पर, वो एक identifier को represent करता है. If you take plus, प्लस इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेटर. प्लस जो है एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है. इफ़ आई टेक रेट, रेट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन आइडेंटिफायर. इफ़ आई टेक मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेटर. इफ़ आई टेक द वैल्यू 60, 60 इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. एंड अगेन, अगर इसके बाद यहाँ पर एक सेमी कॉलन भी है, इफ़ यू हैव अ सेमी कॉलन हियर, सो दिस सेमी कॉलन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेटर. तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लेक्सीम एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एन टोकन. ठीक है, तो अब ये जो आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर है, लेक्सिकल एनालाइजर विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द लेक्सीम्स दैट आर प्रेजेंट एंड देन इट विल रिटर्न अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स. ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पर क्या क्या लेक्सीम्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये हमें स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को रिटर्न करेगा. जैसे यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ टोकन्स क्या है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिफायर, दिस इज ऑपरेटर, ऑपरेटर आइडेंटिफायर, ऑपरेटर कॉन्स्टेंट एंड ऑपरेटर. तो यहाँ पर जैसे ये क्या लिखा है यहाँ पर, आइडेंटिफायर. तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर कॉमा 1, दिस इज आइडेंटिफायर कॉमा 2, दिस इज आइडेंटिफायर कॉमा 3. इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग ऑफ दिस इज कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अलग अलग आइडेंटिफायर है, then we should be able to differentiate between all of these identifiers. तो इसलिए हम एक हर एक आइडेंटिफायर को एक स्मॉल नंबर असाइन कर देंगे एंड दैट नंबर विल एक्ट एज ए आई डी फॉर दिस. ठीक है, सो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस लेक्सिकल एनालाइजर इन मोर डिटेल्स. अभी हम और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसके बारे में एंड हाउ कैन यू डिज़ाइन अ लेक्सिकल एनालाइजर. तो उसके बारे में भी हम लोग और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. बट अगेन, टू डिज़ाइन दिस लेक्सिकल एनालाइजर यू नीड अ बेसिक कॉन्सेप्ट. आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस. आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी टू डिज़ाइन दिस लेक्सिकल एनालाइजर. यू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ DFAs, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास की आपको ज़रूरत पड़ेगी. एज वेल एज यू ऑल्सो नीड सम कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम. तो आपकी जो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है, इफ़ यू नो सम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम दैट इज़ फाइन, दैट इज़ वेल एंड गुड. अगर आपको नहीं पता है देन स्टिल नो वरीज, विदाउट इवन लर्निंग द स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम यू कैन स्टडी दिस. तो एनीवेज, लेक्सिकल एनालाइजर को समझने के लिए यू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, DFA एंड स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम. देन वी गिव दिस टू सिंटेक्स एनालाइजर. अब ये जो सिंटेक्स एनालाइजर है, दिस सिंटेक्स एनालाइजर टेक्स अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एज ए इनपुट, CFG. तो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, वी हैव कवर्ड दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स इन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन. तो जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स यहाँ पर ली है, इट इज़ गोइंग टू टेक अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड देन यूजिंग दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इट इज़ गोइंग टू ट्राई एंड क्रिएट दिस पार्स ट्री. तो ये इस तरह का एक पार्स ट्री यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो पार्स्ट्री का कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली व्हाट वी अज्यूम इज कि जो भी आपके पास प्रोग्राम है, वट एवर प्रोग्राम यू हैव इन योर वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग अ सी लैंग्वेज, राइट? सो सी लैंग्वेज इज आल्सो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, दिस प्रोग्राम इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज. उस लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग की तरह से हम इस प्रोग्राम को कंसिडर करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू चेक हाउ कैन यू जनरेट दिस स्ट्रिंग यूजिंग दिस लैंग्वेज. हम इस स्ट्रिंग को इस लैंग्वेज से कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ओके, अंडरस्टूड?
सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट एंटायर प्रोग्राम इज अ स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज, और स्ट्रिंग को कैसे जनरेट कर सकते हैं. टू जनरेट द स्ट्रिंग वी विल ट्राई एंड जनरेट अ पार्स ट्री. तो बेसिकली पूरे सिलेबस में जितना भी आपका कंपाइलर डिज़ाइन का सिलेबस है, दिस सिंटेक्स एनालिसिस फेसेस, इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वन. ये सबसे डिफिकल्ट है बिकॉज हियर वी हैव सम डिफरेंट एल्गोरिथम सब सिंटेक्स टू क्रिएट दिस पार्स ट्री. और इस पार्स ट्री को बनाने के लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम है, तो वो सभी एल्गोरिथम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ दिस एंटायर सब्जेक्ट. तो रफली अगर मैं कह सकता हूँ कि पूरे सब्जेक्ट में अगर हम लोग 100% टाइम स्पेंड करेंगे, तो इस पूरे 100% में से हमारे पास 50% जो टाइम है वो सिर्फ सिंटेक्स एनालिसिस फेज में ही स्पेंड होगा. वी आर गोइंग टू स्पेंड एटलीस्ट 50% टाइम इन दिस सिंटेक्स एनालिसिस फेज, और रेस्ट ऑफ द 50% टाइम के अंदर हमारे सभी चैप्टर आ जाते हैं, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर. सो जितने भी बाकी सभी फेजेस हैं, दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 5 फेजेस. सो फॉर दीज 5 फेजेस वी आर गोइंग टू स्पेंड 50% टाइम, एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड 50% टाइम इन सिंटेक्स एनालिसिस एनालाइजर. तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा. एंड जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, हमारे पास जो पूरा कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट है, जनरली इन ऑफलाइन क्लासेस वी कैन टीच कंपाइलर डिज़ाइन इन 20 to 22 hours, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें लगभग 20 से लेकर 22 घंटे लगेंगे कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंदर. सो दैट मीन्स इफ़ यू कैन डू 2 hours ऑफ क्लास इन वन डे, देन वी विल बी एबल टू फिनिश दिस एंटायर सब्जेक्ट इन अप्रॉक्सीमेटली 10 days. हम इस पूरे सब्जेक्ट को लगभग 10 दिनों के अंदर फिनिश कर सकते हैं. बट इफ़ यू टेक यू नो क्लासेस मोर देन लाइक 2 hours, देन वी विल माइट बी एबल टू फिनिश इन विद इन 4, 5, 6 days और सो. बट सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम लगेगा, दैट एंटायर टाइम विल बी इन दिस सिंटेक्स एनालाइजर फेज. और जो सिंटेक्स एनालाइजर फेज में, यू कैन इमेजिन कि हम लोग कम से कम 10 से 12 घंटे जो है वो सिंटेक्स एनालाइजर फेज के अंदर स्पेंड करेंगे. वी आर गोइंग टू स्पेंड एटलीस्ट 10 to 12 hours इन सिंटेक्स एनालाइजर फेज. ठीक है, एंड आफ्टर दिस वी गेट दिस सिमेंटिक एनालाइजर. अब जो सिमेंटिक एनालाइजर है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिमेंटिक एनालाइजर? सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है कि जो भी आपके पास कोड आया है, वट एवर कोड यू हैव, वी आर गोइंग टू यू नो आइडेंटिफाई वेदर देर इज एनी सिमेंटिक यू नो सिमेंटिक एरर्स और नॉट. लेट मी एक्सप्लेन यू कि सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं, वट इज लेट मी एक्सप्लेन यू वट यू मीन बाय सिमेंटिक एरर्स. ठीक है, तो मैं सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं आई एक्सप्लेन यू. ठीक है, तो जो आपके पास ये सिमेंटिक एरर्स होते हैं, जनरली क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रिटन सम स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली फाइन. ठीक है, जैसे कुछ स्टेटमेंट आपने लिखा कि वो जो प्रोग्रामिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट बनी है, लेकिन उसके अंदर कुछ यहाँ पर एरर्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो सकती हैं. जैसे हियर अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे इस पूरे एग्जांपल में, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 60. दिस इज़ वट वी आर ट्राइंग टू डू. नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस पोजिशन इनिशियल रेट और जैसे रेट है, दिस वैल्यूज़ आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ये सभी वैल्यूज़ जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, एंड दिस वैल्यू इज़ इंटीजर नंबर. तो बेसिकली हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड देन इफ यू कैन डू दिस मल्टीप्लिकेशन, अगर ये सिमेंटिकली ठीक है, यानी कि अंदर इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, देन वी कैन डू दिस मल्टीप्लिकेशन हियर. अदरवाइज वी कैन से कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर नहीं हो सकता, दिस इज़ अ रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन. देखो कहने का मतलब क्या है, वट डू आई रियली मीन टू से बाय दिस इज, आपके जनरली जो प्रोग्राम्स आपके पास होते हैं, राइट, वट एवर प्रोग्राम्स यू राइट, तो प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट्स. ठीक है, प्रोग्राम्स के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट्स. अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो सिंटैक्टिकली ठीक हो सकती हैं लेकिन सिमेंटिकली नहीं, राइट. वो सिंटैक्टिकली ठीक हो सकती हैं लेकिन सिमेंटिकली नहीं. जैसे अगर मैं बोलता हूँ वी हैव इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 / 10, सो इट इज सिंटैक्टिकली फाइन एज वेल एज सिमेंटिकली फाइन. बट अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 / 0, नाउ इट इज़ सिंटैक्टिकली फाइन
बट सिमेंटिकली इट इज़ नॉट फाइन, बिकॉज किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. सिंटेक्स में फाइन है बिकॉज हम लोग एक इंटीजर को इंटीजर नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है बाय सिंटेक्स इट इज़ फाइन, बट क्या ये सिमेंटिकली फाइन है या फिर नहीं है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेकआउट करेंगे. अब जैसे लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. लेट अस अज्यूम इफ आई एम क्रिएटिंग बुलियन ए इज इक्वल टू 5.0 समथिंग, या फिर अगर मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, लेट मी टेक इट दिस मैनर. आई कैन से दैट वी हैव फ्लोटिंग बी इज इक्वल टू 3.36 एंड नाउ आई एम टेकिंग अ बुलियन वेरिएबल, आई एम टेकिंग बुलियन ए इज इक्वल टू बी. अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज सिमेंटिकली फाइन. ये स्टेटमेंट जो है ये सिमेंटिक जो है ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज सिंटेक्टिकली फाइन, नॉट सिमेंटिकली. ये जो स्टेटमेंट है ये सिंटेक्स जो है इसका बिल्कुल ठीक है, सिंटेक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो सिमेंटिक है वो सिमेंटिक ठीक नहीं है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन अ बुलियन वेरिएबल, सो ऑब्वियसली देर विल बी अ लॉस ऑफ डेटा. तो ये सिमेंटिकली यहाँ पर ठीक नहीं है. तो बेसिकली जब हम सिंटेक्स एनालाइजर की बात करते हैं, तो सिंटेक्स एनालाइजर का मतलब क्या है कि क्या ये स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करती है या नहीं करती. जैसे अगर हम सी लैंग्वेज का कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करती है या नहीं करती. आई मीन टू से कि जो स्टेटमेंट जनरेशन हो सकता है सी लैंग्वेज के अंदर, द रूल्स ऑफ स्टेटमेंट जनरेशन सी लैंग्वेज, इज़ इट फॉलोइंग दोज रूल्स और नॉट. तो वो चीज़ें हम लोग सिंटेक्स एनालाइजर में चेक करेंगे. अब उसके बाद सिमेंटिक एनालाइजर में चेक करेंगे कि क्या जो दूसरे रूल्स हैं, जैसे यहाँ पर कौन सा वेरिएबल किसके अंदर स्टोर हो सकता है, सो क्या दूसरे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, दैट विल बी चेकिंग इन द सिमेंटिक एनालाइजर. ठीक है. एंड आफ्टर दिस जो ये हमारे पास पार्स ट्री आया है, इफ़ यू हैव दिस पार्स ट्री दैट इज सिमेंटिकली वेरीफाइड, वी गिव दिस पार्स ट्री टू इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा कि जो भी कोड आपके पास यहाँ पर मिला है, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट 3 एड्रेस कोड फॉर दिस. तो इसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मेट है, लाइक वी हैव डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, वी हैव 3 एड्रेस कोड. तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर. बट अगेन इट इज़ गोइंग टू टेक दिस पार्स ट्री एंड इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट दिस पार्स ट्री इनटू 3 एड्रेस कोड. जैसे आपकी स्टेटमेंट क्या आती है यहाँ पर, वी हैव ID1 इज इक्वल टू ID2 प्लस ID3 मल्टीप्लाइड बाय 60. ये आपकी स्टेटमेंट थी. तो सबसे पहले हमने इसको चेक किया कि हम इसके लिए पार्स ट्री कैसे बना सकते हैं. तो जैसे वी कैन मेक समथिंग लाइक दिस, ID1 इज इक्वल टू ID2 लाइक प्लस दिस इज ID मल्टीप्लीकेशन सिंबल, दिस इज ID3 राइट, दिस इज 60 राइट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वी कैन टेक वेरिएबल टी फॉर दिस. हम इसके लिए एक वेरिएबल ले सकते हैं, आई कैन टेक T1 इज इक्वल टू ID3 मल्टीप्लाइड बाय 60. देन आई कैन टेक अ वेरिएबल T2 दैट इज गोइंग टू बी फॉर दिस. इसके लिए हम T2 ले सकते हैं, यहाँ के लिए हम T1 ले सकते हैं. सो आई कैन टेक T2 इज इक्वल टू ID2 मल्टीप्लाइड बाय T1 एंड देन आई कैन टेक यू नो ID1 इज इक्वल टू T2 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं. सो जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग 3 एड्रेस कोड. 3 एड्रेस कोड का मतलब क्या है कि हर एक स्टेटमेंट के अंदर मैक्सिमम 3 एड्रेसेस हो सकते हैं. जैसे दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 एड्रेस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2nd एड्रेस. तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ आपके पास 2 एड्रेसेस ही प्रेजेंट हैं. इस स्टेटमेंट में 1, 2 एंड 3 3 एड्रेसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं. सो बेसिकली 3 एड्रेस कोड मीन्स वी कैन हैव एट मैक्सिमम 3 एड्रेसेस इन अ स्टेटमेंट. तो जो भी आपकी सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट है, वी कैन क्रिएट अ 3 एड्रेस कोड फॉर दिस. तो यहाँ पर हम इसके लिए 3 एड्रेस कोड दे सकते हैं. फर्दर वी कैन गिव दिस 3 एड्रेस कोड टू अ कोड ऑप्टिमाइजर, जो कि इस 3 एड्रेस कोड की नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को भी रिड्यूस करेगा टू मेक अ ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड. एंड वी कैन गिव दिस ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड टू समथिंग कॉल्ड एज कोड जनरेटर, एंड दिस कोड जनरेटर विल जनरेट एन असेंबली कोड. तो जो असेंबली कोड है, जैसे लोड F मतलब लोड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन रजिस्टर R2 एंड सो ऑन, देन वी कैन हैव मल F मल्टीप्लाई अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वी कैन हैव LDF, वी कैन हैव एड F. तो ये सभी क्या है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर कोड, असेंबली लैंग्वेज कोड. और ये जो असेंबली लैंग्वेज कोड होता है, जनरली दिस असेंबली कोड लैंग्वेज कोड इज डिपेंडेंट ऑन मशीन आर्किटेक्चर. आपकी जो मशीन आर्किटेक्चर है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है. सो इफ यू हैव अ AMD प्रोसेसर, मे बी द मशीन कोड ऑफ द AMD प्रोसेसर विल बी डिफरेंट. आई मीन नॉट मशीन, दिस इज बेसिकली असेंबली कोड. तो जो आपका असेंबली कोड है AMD प्रोसेसर के लिए वो अलग होगा, और जो असेंबली कोड है आपका इंटेल प्रोसेसर के लिए दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट. ठीक है.
तो इन सभी फेजेस के अंदर वी कैन डिवाइड दीज फेजेस इंटू टू डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस. वन इज योर फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर एंड सेकेंड वन इज योर बैक एंड. सो जनरली दिस बैक एंड इज योर मशीन आर्किटेक्चर डिपेंडेंट. आपका जो बैक एंड है वो मशीन आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होता है एंड दिस फ्रंट एंड इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन आर्किटेक्चर. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन आर्किटेक्चर. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस. बेसिकली क्या होगा कि योर एंड यूजर्स आर डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाइलर. जैसे ऐसा मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, जैसे वी कैन हैव याक्षी हियर. तो जो याक्षी है, याक्षी इज यूजिंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन वी हैव मधु हियर. सो मधु इज यूजिंग योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, एंड विंडोज के अंदर शी इज यूजिंग सम इंटेल based i3 processor. And then we have Priyanka here and Priyanka is using some AMD processor. तो इन सभी के अंदर हमारे पास अलग processor है. Maybe she is using AMD Athlon processor, something like this. ठीक है, तो अब Macintosh जो है, Macintosh is also using your Intel family processors. Madhu is also using an Intel family processor. Priyanka is also using your Intel, she is using AMD family processor. अब जो कंपाइलर होगा इन तीनों सिस्टम्स के अंदर, राइट, जो भी कंपाइलर होगा, वट एवर कंपाइलर दे आर गोइंग टू यूज़, उन सभी कंपाइलर्स के अंदर जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड सेम रहेगा. दे कैन हैव द सेम फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर. इन सभी का जो कंपाइलर का फ्रंट एंड है सेम रहेगा. द ओनली थिंग दैट विल चेंज हियर इज़ द बैक एंड. तो जो बैक एंड है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ कोड विच इज़ अ मशीन डिपेंडेंट कोड, तो ऑब्वियसली तो जो बैकएंड है वो यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर. जो आपका बैकएंड है वो डिफरेंट रहेगा, बट अदरवाइज द फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर विल बी सेम. सो इफ इट इज़ क्लियर, अब देखो दो चीज़ें और हैं दैट यू शुड नो, कि जितने भी आपके फेजेस हैं कंपाइलर के, ऑल ऑफ दीज फेजेस टेक द हेल्प ऑफ टू मॉड्यूल्स. तो जैसा एक पहला मॉड्यूल है आपका सिंबल टेबल, और जो आपका सेकेंड मॉड्यूल है, योर सेकेंड मॉड्यूल इज़ योर एरर हैंडलर. हर एक जो मॉड्यूल है वो दूसरा जो मॉड्यूल है वो आपका एरर हैंडलर है. एंड दिस एरर हैंडलर इज़ ऑल्सो अगेन कम्बाइंड विद ऑल ऑफ दीज फेजेस. बेसिकली एरर हैंडलर का काम क्या है कि वेन एवर यू आर एग्जीक्यूटिंग दीज फेजेस, तो उस फेज के अंदर एनी ऑफ द फेजेस वी कैन हैव सम काइंड ऑफ एरर दैट इज पॉसिबल. सो अकॉर्डिंग टू द एरर वी शुड हैव अ मॉड्यूल दैट विल दे शुड बी एबल टू हैंडल ऑल ऑफ दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स. ठीक है, तो जो आपका एरर हैंडलर है, सो दिस एरर हैंडलर इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ, इट इज़ लिंक्ड विद ऑल ऑफ दिस डिफरेंट मॉड्यूल्स. और एरर हैंडलर का काम क्या है, इट इज़ गोइंग टू जनरेट द वार्निंग सिग्नल्स या फिर एरर सिग्नल्स. तो या तो ये वार्निंग सिग्नल्स को जनरेट करेगा या फिर आपके एरर सिग्नल्स को जनरेट करेगा. सो लेट मी एक्सप्लेन द एरर्स. जैसे सबसे पहला आपका एरर यहाँ पर आ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर लेक्सिकल एरर्स. पहले एरर आपके हो सकते हैं लेक्सिकल एरर्स. जैसे लेक्सिकल एरर जो है, यू नो व्हाट इज़ लेक्सिकल एरर. तो लेट अस अज्यूम कि हमें कुछ ऐसा लिखना था, वी वांटेड टू राइट समथिंग लाइक इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10. हमें इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10 यहाँ पर लिखना था, बट समहाउ वाइल टाइपिंग यूजिंग द कीबोर्ड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंटीजर एक्स, यू हैव रिटन एंटी x इज इक्वल टू 10. अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो nt है, दिस nt इज़ नॉट नोन. ये nt क्या है, दिस इज़ नॉट नोन, वेदर इट इज़ अ की वर्ड, वेदर इट इज़ अ यू नो आइडेंटिफायर, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ नॉट नोन. तो ये जो है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग सम टाइपिंग एरर, और ये जो टाइपिंग एरर है, दिस शुड बी आइडेंटिफाइड इन द लेक्सिकल एनालाइजर फेज. आई मीन दिस इज़ प्रेजेंट एज ए लेक्सिकल एरर. तो ये जो लेक्सिकल एरर है, योर एरर हैंडलर शुड बी एबल टू हैंडल दिस लेक्सिकल एरर. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल द सेकंड एरर इज़ योर सिंटैक्स एरर. अगला एरर आपके पास सिंटैक्स एरर हो सकता है. सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस, वी हैव इंटीजर x इज इक्वल टू 10. अब ये जो इंटीजर x इज इक्वल टू 10 है, दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली फाइन, बट देर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम हियर, कि यहाँ पर हमने सेमी कॉलन को मिस कर दिया है. वी हैव मिस्ड द सेमी कॉलन. ठीक है, सो बेसिकली सिंटैक्टिकली दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हमने इस पूरे स्टेटमेंट में इंटीजर x इज इक्वल टू 10 के अंदर वी हैव मिस्ड अ सेमी कॉलन
here. So obviously it should give a syntax error. Even though if we want to write if statement, जैसे if else कैसे लिखते हैं, we write if some condition, ठीक है, and then we write some statement here. This is the way you write if else statement. लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा लिख दिया कि हमने सबसे पहले तो यहाँ पर condition लिखी, we have written a condition, then we have written a if statement, and then we are writing some statement. तो obviously it is not correct. तो ये जो है ये एक syntax error है. So your error handler should be able to identify the syntax error. I mean, while in the syntax analyzer phase, whenever we get syntax error, your error handler should be able to handle कि अब इसको कैसे करना है, how to give warning signals and how to give error signals. So that is the responsibility of error handler. Third example, that if we get a semantic error. तीसरा example है आपके पास semantic error के बारे में. Okay, तो semantic errors जैसे हमारे पास है integer x is equal to a b c, ठीक है. अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली फाइन, मतलब इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं विच इज़ टेकिंग इंटीजर x, और इस इंटीजर वेरिएबल के अंदर वी आर ट्राइंग टू पास अरे ऑफ कैरेक्टर्स. हम यहाँ पर अरे ऑफ कैरेक्टर्स को फाइन पास करने की कोशिश कर रहे हैं. इवन दो दिस एंटायर स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली फाइन, इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट सिमेंटिकली फाइन, इसके अंदर सिमेंटिक एरर्स है. इवन दो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, आई कैन टेक इंटीजर वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5, आई कैन टेक इंटीजर वेरिएबल बी इज इक्वल टू 6, देन आई कैन टेक इंटीजर वेरिएबल सी राइट इज इक्वल टू ए प्लस बी राइट. ए प्लस बी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया. अब यहाँ पर आप दो चीज़ें देख सकते हैं. सो व्हेन वी आर व्हेन आई एम राइटिंग सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर जो सी है, आई हैव नॉट डिफाइंड सी. सी क्या है, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है, इट इज़ नॉट एट ऑल डिक्लेयर्ड. सो अगेन दिस इज ऑल्सो ए सीमेंटिक एरर, इवन दो सिंटेक्टिकली देर इज नो प्रॉब्लम, एंड हियर वी हैव अ सीमेंटिक एरर्स, ठीक है, क्लियर. इसके अलावा यू कैन हैव सम अदर एरर्स, जैसे आपके और दूसरे एरर्स भी हो सकते हैं जो एरर हैंडलर को एरर हैंडल करने हैं. जैसे एक एरर आपके पास हो सकता है कि मेमोरी इनसफिशिएंट, मतलब आपके प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, एंड वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम सम हाउ इन बिटवीन यू हैव लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी, एंड देर इज़ अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेमोरी सफिशियंसी. सो दैट इज़ अगेन अ फैटल एरर. वाई? बिकॉज इट इज़ अ फैटल एरर, योर प्रोग्राम विल क्रैश बिकॉज ऑफ दैट. तो ऐसे जो भी एरर्स होते हैं वेयर विच कैन लीड टू अ क्रैश ऑफ अ प्रोग्राम, दोज एरर्स आर कॉल्ड एज फैटल एरर्स. इवन इफ यू गेट अ रन टाइम एरर, तो ये जितने भी एरर्स हैं, ऑल ऑफ दीज एरर्स आर हैंडल्ड बाय योर एरर हैंडलर. तो जितने भी आपके एरर है, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग एरर हैंडलर का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो दिस इज़ द एरर हैंडलर. तो एरर हैंडलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू हैंडल ऑल ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स. इन सभी एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास एरर हैंडलर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. तो आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन. तो लेट अस सपोज आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन लाइक दिस. वी हैव एक्सटर्न डबल एंड द नेम इज आदित्य, एंड इट टेक्स डबल मधु एज एन इनपुट, ठीक है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट आदित्य इज ए फंक्शन. आदित्य क्या है? यहाँ पर एक फंक्शन है. सो आई थिंक लेट मी ऑल्सो राइट इट इन अ स्मॉलर मैनर, बिकॉज आई थिंक क्लियर नहीं था. सो आई कैन राइट इट एज एक्सटर्न डबल आदित्य एंड डबल मधु, ओके. एंड हियर वी हैव डबल. So here we have double Anjali, and we have integer Priyanka, and here we have double. So I'll take one more name. So again, Sharda is equal to 5.6, and then we have for integer I is equal to 1,
I less than equal to count, and then we have I plus plus, and then we can say return the sum, or you can say return Sharda. ठीक है, और लेट मी जस्ट चेक इट, आई एम सो सॉरी, इंटीजर आई लेस देन इक्वल टू प्रियंका, ठीक है, एंड देन वी हैव आई प्लस प्लस, एंड देन वी आर गोइंग टू रिटर्न शारदा, ठीक है, एंड मे बी आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा मैं कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस I can say Sharda is equal to plus equal to Aditya, and here I'm passing double I. तो ये आपके पास एक statement है, right? This is your statement, and then we are having some return statement after this. तो एक रिटर्न स्टेटमेंट है, यू हैव रिटर्न शारदा, आप शारदा को यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ है. तो अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि अच्छा, जस्ट ट्राई टू रिलेट, हर चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करो. आदित्य जो है डबल डेट कर रहा है, ठीक है, आदित्य इज़ डूइंग अ डबल डेट, एंड ही इज़ एन एक्सटर्न वेरिएबल, वो एक एक्सटर्न वेरिएबल है. एक्सटर्न वेरिएबल का मतलब क्या है कि आदित्य जो है वो इस समय पर, जो आदित्य की डेट्स हैं, द डेट्स ऑफ आदित्य बोथ आर इन दिल्ली, और जो आदित्य है करंटली ही इज़ प्रेजेंट इन जम्मू. आदित्य जो है वो जम्मू में प्रेजेंट है, और आदित्य की जो डेट है वो बाहर है. एक डेट है दिल्ली के अंदर जिसका नाम है मधु, और जो दूसरी डेट है आदित्य की दैट इज़ अंजलि, एंड शी इज़ इन हरियाणा, ठीक है, अंजलि जो है वो हरियाणा में है, ठीक है. तो आदित्य जो है वो डबल डेट कर रहा है, एट द सेम टाइम मधु इज़ ऑल्सो डूइंग अ डबल डेट. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अंजलि है, राइट, जो अंजलि है, अंजलि को प्रियंका ने बताया, बिकॉज प्रियंका इज़ वर्किंग एज ए कैटलिस्ट, कि आदित्य इज़ डूइंग अ डबल डेट, ठीक है, आदित्य इज़ डूइंग अ डबल डेट, यू प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है. और यहाँ पर जो शारदा है, शारदा इज़ सिटिंग आउटसाइड हियर, एंड शी इज़ ट्राइंग टू काउंट कि आदित्य जो है वो कितनी डबल डेट कर रहा, हाउ मेनी डेट्स डज आदित्य हैव. तो सभी चीज़ें यहाँ पर शारदा काउंट कर रहा है, और शारदा किसकी हेल्प से काउंट करेगी, शारदा विल बी एबल टू काउंट दिस विद द हेल्प ऑफ प्रियंका, बाय टेकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रियंका एज वेल एज बाय टेकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आदित्य, एंड देन शारदा विल एक्चुअली रिटर्न कि आदित्य की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डज आदित्य हैव. सो दिस इज समथिंग, दिस इज सम काइंड ऑफ स्टोरी दैट इज़ गोइंग ऑन हियर. सो ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज बिल्ड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, इवन दो इट इज़ मोर लाइक अ पुअर जोक, बट अगेन सम स्टोरीज आर देयर. सो बेसिकली आवर आदित्य इज अ सुपर डुपर प्ले बॉय, समथिंग लाइक दिस, है ना. तो अब यहाँ पर क्या है कि इस पूरी टेबल के अंदर, ये जो पूरा आपका प्रोग्राम है, राइट, इन दिस एंटायर प्रोग्राम, सो इन दिस एंटायर प्रोग्राम, तो आपके पास कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पर, ठीक है. सो वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज सिंबल नेम, एंड वी हैव सिंबल टाइप, एंड वी हैव स्कोप ऑफ ईच ऑफ दीज सिंबल्स. इन सभी सिंबल्स का आपके पास स्कोप क्या है, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर सिंबल, कौन कौन से सिंबल आपके पास है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, कौन कौन से सिंबल होंगे यहाँ पर आपके पास. तो सबसे पहला जो सिंबल है आपके पास, दैट इज आदित्य, द फर्स्ट सिंबल इज आदित्य. अब आदित्य क्या है, आदित्य इज बेसिकली अ फंक्शन, ठीक है, और आदित्य की जो रिटर्न टाइप है दैट इज डबल, द रिटर्न टाइप ऑफ आदित्य इज डबल, एंड द स्कोप हियर इज एक्सटर्न बिकॉज ही इज डिफाइंड इन द अदर प्रोग्राम. नाउ द सेकंड सिंबल हियर इज मधु, ठीक है. अब जो मधु है शी इज ऑल्सो डबल, एंड द स्कोप हियर इज फंक्शन,
पैरामीटर। द थर्ड फंक्शन हियर इज कॉल्ड एज योर अंजलि। सो अंजलि इज ऑल्सो ए फंक्शन एंड द रिटर्न टाइप ऑफ अंजलि इज डबल एंड द स्कोप हियर इज ग्लोबल। फाइन, देन वी हैव नेक्स्ट वन इज प्रियंका। अब जो प्रियंका है, प्रियंका इज ऑल्सो डबल, सॉरी शी इज इंटीजर। तो प्रियंका सबसे अलग है, शी इज इंटीजर। सो प्रियंका जो है वो सिर्फ आग लगाने का काम करती है। एंड द स्कोप हियर इज फंक्शन पैरामीटर। एंड देन वी हैव शारदा हियर। शारदा इज एन साइंटिस्ट, शी काउंट्स कि आदित्य की कितनी गर्लफ्रेंड है और कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है। सो शी बेसिकली ट्राइज टू मेक अ ग्राफ कि कौन कैसे किसके साथ कैसे इन्वॉल्व है एंड सो ऑन। एंड हियर द स्कोप इज ब्लोक स्कोपिंग। एंड देन वी हैव दिस वेरिएबल आई। अब ये जो आई है, आई इज़ बेसिकली शुभम, सो आई शुड कॉल इट एज शुभम। तो आई का नाम मुझे शुभम लिखना चाहिए था बट आई फॉरगॉट टू राइट इट। तो जो मधु है, मधु इज डेटिंग आदित्य एज वेल एज शुभम, सो दैट इज़ वाई मधु इज डूइंग अ डबल डेट। सो देन वी हैव इंटीजर एंड देन इट इज स्कोप इज फोर लूप स्टेटमेंट। इसका जो स्कोप है वो यहाँ पर फोर लूप स्टेटमेंट है, ठीक है। सो दिस एंटायर इंफॉर्मेशन हियर, तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, दिस एंटायर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन समथिंग कॉल्ड एज ए सिंबल टेबल। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सिंबल टेबल के अंदर स्टोर होती है। तो सिंबल टेबल क्या ध्यान रखता है, सिंबल टेबल टेल्स अस व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिंबल, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द सिंबल, व्हाट इज द साइज ऑफ द सिंबल, व्हाट इज द ऑफसेट ऑफ द सिंबल एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर सिंबल टेबल के अंदर स्टोर होती है। तो यहाँ पर हमारे सिंबल टेबल ने क्या स्टोर किया, आवर सिंबल टेबल इज स्टोरिंग द सिंबल नेम, सिंबल टाइप एंड सिंबल स्कोप। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस द सिंबल टेबल ऑफ दिस अबव प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली एनीवेज आई होप माई जोक्स आर नॉट दैट मच गुड। आप सभी को मेरे जोक्स इतने अच्छे नहीं लगे, आई एम सो सो सैड। तो एनीवेज, सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर जो सभी फेजेस हैं, इन सभी फेजेस के साथ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू समथिंग लाइक अ सिंबल टेबल। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर आपके पास दो टेबल्स होती हैं, द फर्स्ट टेबल इज सिंबल टेबल एंड द सेकेंड टेबल इज़ योर एरर हैंडलर। द सेकेंड टेबल आपके पास है जो आई मीन जो सेकेंड मॉड्यूल है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज एरर हैंडलर। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मॉड्यूल एज वेल एज दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ मॉड्यूल, ठीक है। तो जितने भी आपके फेजेस हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव लेक्सिकल एनालाइजर, इट इज़ कनेक्टेड विद द एरर हैंडलर एज वेल एज इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद द सिंबल टेबल। सिंटेक्स एनालाइजर इज कनेक्टेड विद द एरर हैंडलर एज वेल एज इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद द सिंबल टेबल। सिमेंटिक एनालाइजर इज कनेक्टेड विद एरर हैंडलर एज वेल एज सिंबल टेबल। ICG इज कनेक्टेड विद बोथ ऑफ देम। कोड ऑप्टिमाइजर इज कनेक्टेड विद बोथ ऑफ देम। कोड जनरेटर इज कनेक्टेड विद बोथ ऑफ देम। मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन इज कनेक्टेड विद बोथ ऑफ देम, राइट। सो बट अगेन दिस मशीन डिपेंडेंट ऑर्गनाइजेशन, देर इज नो यूज़ ऑफ दिस टू बी कनेक्टेड विद एनी वन ऑफ देम। तो शायद किसी के साथ इसका यूज़ नहीं है। बट अगेन कैन सी कि जो हमारे पास दो बड़े मॉड्यूल है, द फर्स्ट मॉड्यूल इज़ योर सिंबल टेबल एंड द सेकेंड मॉड्यूल हेयर इज़ योर एरर हैंडलर। तो दो यहाँ पर मॉड्यूल्स हैं। तो जो आपकी सिंबल टेबल है, तो सिंबल टेबल के अंदर हम लोग क्या क्या स्टोर करते हैं, वट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी स्टोर इन अ सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, सो द इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। नंबर वन इज़ नेम ऑफ द सिंबल, नंबर टू इज़ टाइप ऑफ द सिंबल, नंबर थ्री इज़ स्कोप ऑफ द सिंबल, नंबर फोर इज़ साइज ऑफ द सिंबल, नंबर फाइव इज़ रिप्रेजेंटिंग द ऑफसेट ऑफ द सिंबल एंड नंबर सिक्स इज़ सम मिसलेनियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिंबल। तो ये जो सभी इन्फॉर्मेशन है हम लोग यहाँ पर सिंबल टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें ऑलरेडी पता है। नाउ यू नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, इसके बारे में आपको पता है क्योंकि मैंने कवर कर दिया ऑब्वियसली। यू नो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द सिंबल, नाउ यू ऑल्सो नो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द सिंबल। अब जो नेक्स्ट आता है आपके पास वो है साइज ऑफ द सिंबल एज वेल एज ऑफसेट ऑफ द सिंबल। साइज और ऑफसेट में डिफरेंस क्या है,
साइज बेसिकली टेल्स अस कि पूरे सिंबल का साइज कितना है, हाउ मेनी बाइट्स, वेदर इट इज़ अ वन बाइट सिंबल, वेदर इज अ टू बाइट सिंबल, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द सिंबल, तो सभी यहाँ पर साइज के अंदर आएगा. एंड देन वी हैव ऑफसेट. ऑफसेट का मतलब क्या है, देखो जैसे आपके पास ये मेन मेमोरी है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेन मेमोरी, राइट, ये आपके पास मेन मेमोरी है. सो इन दिस मेन मेमोरी समवेयर यू हैव स्टोर्ड द प्रोग्राम, एंड लेट अस अज्यूम द आपका जो प्रोग्राम है इट इज़ स्टोर्ड फ्रॉम द लोकेशन 65,335. ये इस लोकेशन से आपने स्टोर करना शुरू किया, ओके, एंड जो लास्ट लोकेशन है प्रोग्राम की दैट इज 66,430. मीनवाइल यहाँ पर आपके पास कहीं पर जो सिंबल है वो यहाँ पर स्टोर्ड है, एंड दिस इज़ योर सिंबल आदित्य, ये आपका सिंबल जो आदित्य है वो यहाँ पर स्टोर्ड है, एंड दिस एड्रेस ऑफ आदित्य, जो आदित्य जो एड्रेस है दैट इज 65,646. तो ये आदित्य का एड्रेस है मेन मेमोरी के अंदर. तो जब मैं ऑफसेट की बात करूँगा तो ऑफसेट का मतलब क्या है कि प्रोग्राम जहाँ से स्टोर होना स्टार्ट हुआ और आदित्य रिलेटिवली वहाँ से कहाँ पर प्रेजेंट है. आई मीन टू से ऑफसेट इज 65,646 माइनस 65,335. यानी कि प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस है उस लोकेशन से आदित्य सिंबल एग्जैक्टली कहाँ पर आया, व्हाट इज़ द लोकेशन वेयर आदित्य सिंबल इज़ प्रेजेंट, सो दैट इज़ कॉल्ड एज योर ऑफसेट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑफसेट. ठीक है, अंडरस्टूड. तो अभी जो सिंबल टेबल है, इस सिंबल टेबल के अंदर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, लेट मी रिपीट अगेन. तो सिंबल टेबल में हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो पहली इन्फॉर्मेशन कौन सी है, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन स्टोर इन द सिंबल टेबल इज बेसिकली योर नेम ऑफ द सिंबल. द सेकेंड इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन स्टोर इन द सिंबल टेबल इज टाइप ऑफ द सिंबल. द थर्ड इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन स्टोर इज स्कोप ऑफ द सिंबल, एंड द फोर्थ इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन स्टोर इज साइज ऑफ द सिंबल. द फिफ्थ इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन स्टोर इज ऑफसेट ऑफ द सिंबल, एंड द सिक्स्थ इज सम अदर मिसलेनियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिंबल. तो जो भी ये है मिसलेनियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट विल डिपेंड ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कि आपका जो कंपाइलर प्रोग्रामर है जिसने कंपाइलर को बनाया है वो क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, करना चाहता है, राइट. अब ये जो सिंबल टेबल के अंदर हम इन सभी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, तो हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट, और कैन से व्हाट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर दैट यू कैन यूज, डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट अ सिंबल टेबल. हम इस सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अब ये डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डेटा स्ट्रक्चर. बेसिकली देर आर फोर डिफरेंट ऑपरेशंस दैट यू वांट टू परफॉर्म ऑन सिंबल टेबल. आपको ये पता होना चाहिए कि आप सिंबल टेबल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे जो सबसे पहला ऑपरेशन आपके पास है दैट यू वांट टू परफॉर्म ऑन सिंबल टेबल इज़ योर इंसर्शन ऑपरेशन, कि आपको एक नए सिंबल को सिंबल टेबल के अंदर इंसर्ट करना है. द सेकेंड ऑपरेशन दैट यू वॉन्ट टू परफॉर्म इज बेसिकली योर सर्च ऑपरेशन, और जिसको हम लोग फॉर्मल टर्म्स में लुक अप ऑपरेशन भी बोलते हैं. यानी कि हम ये देखना कि क्या ये जो वेरिएबल है या फिर क्या ये जो सिंबल है इसकी प्रेजेंट सिंबल टेबल, इसकी इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है. द थर्ड ऑपरेशन इज बेसिकली योर मॉडिफाई ऑपरेशन. जैसे हम लोग कई बार कास्ट भी कर सकते हैं ना, लाइक वी हैव समटाइम्स आप देख सकते हैं कि किसी पॉइंटर को कास्ट भी कर सकते हैं एक टाइप से दूसरी टाइप, जिसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं. सो बेसिकली वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई अ सिंबल. एंड द फोर्थ वन इज़ दैट वी कैन डिलीट अ सिंबल. तो ये जो चार बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये लोग चार बेसिक ऑपरेशन हम किसी भी सिंबल के ऊपर परफॉर्म करते हैं. सो बेस्ड ऑन दीज फोर बेसिक ऑपरेशंस ऑब्वियसली वी कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर अ सिंबल टेबल. जैसे वी कैन स्टोर अ सिंबल टेबल इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलर फॉर्मेट. टैबलर फॉर्मेट का मतलब क्या है, वी कैन स्टोर द सिंबल टेबल इन अ 2D अरे. हम एक सिंबल टेबल को एक 2-dimensional अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं. सेकेंड, वी कैन यूज़ लिंक्ड लिस्ट टू स्टोर द सिंबल टेबल. जो भी सिंबल की इन्फॉर्मेशन है, व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिंबल, हम उन सभी इन्फॉर्मेशन को एक लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू हियर इज कि आपके पास जैसे फर्स्ट सिंबल है, द फर्स्ट सिंबल इज़ आदित्य, ठीक है. द स्कोप इज़ योर फंक्शन, एंड देन वी कैन से कि जो आदित्य जो है उसका जो साइज़ है वो 4 bytes का है, और जो उसका टाइप है वो एक इंटीजर टाइप है.
तो इस तरीके से हम आदित्य की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। एंड फर्दर आई कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ मधु, तो मधु की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। फर्दर आई कैन टेक अ पॉइंट एंड सो ऑन। सो बेसिकली आई कैन यूज़ अ लिंक लिस्ट टू स्टोर द सिंबल टेबल। ठीक है, तो पहला तरीका कौन सा था, बाय यूजिंग अ टेबलर फॉर्मेट, दैट मीन्स आई कैन क्रिएट अ 2D array। द सेकेंड इज़ आई कैन यूज़ अ लिंक लिस्ट फॉर्मेट। द थर्ड फॉर्मेट इज़ आई कैन यूज़ अ ट्री फॉर्मेट। तो इन सभी को मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है, उन सभी को मैं ट्री फॉर्मेट में यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, मे बी बाय द टाइप। जैसे आई कैन से कि यहाँ पर जो टाइप फ्लोटिंग पॉइंट है, जो फ्लोटिंग पॉइंट सिंबल है उसको यहाँ पर स्टोर करो, राइट। देन वी कैन हैव इंटीजर सिंबल, उसको यहाँ पर स्टोर करो। देन वी कैन हैव कैरेक्टर सिंबल्स, उनको यहाँ पर स्टोर करो, एंड सो ऑन। सो बेस्ड ऑन द टाइप आई कैन क्रिएट अ ट्री फॉर्मेट टू स्टोर द सिंबल्स। अगेन ट्री फॉर्मेट के अंदर भी वी कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरियाज, जैसे वी कैन यूज़ द साइज ऑफ द सिंबल, और वी कैन यूज़ यू नो द स्कोप ऑफ द सिंबल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन क्रिएट अ ट्री। एंड द फोर्थ वर्जन इज़ बाई यूजिंग द हैश टेबल। चौथा तरीका कौन सा आपके पास, हैश टेबल। तो हम लोग इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर अ सिंबल टेबल। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर एक 2D अरे फॉर्मेट को यूज़ करते हैं टू स्टोर अ सिंबल टेबल, तो उस केस में जो इंसर्शन ऑपरेशन है, दिस इंसर्शन ऑपरेशन एंड सर्चिंग ऑपरेशन, मॉडिफाई ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन, यू कैन आइडेंटिफाई कि इन सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। लिंक लिस्ट में आपका जो सर्चिंग या फिर लुकअप ऑपरेशन है, दैट विल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एंड लुकअप ऑपरेशन विल इंक्रीज इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। लेकिन टेबल का जो सबसे बड़ा फॉर्मेट ये है, द नॉट कैसे बेनिफिट नहीं होगा टेबल का, वो क्या है कि टेबलर फॉर्मेट के अंदर अगर आप 2D अरे को स्टोर करते हैं, देन यू हैव टू डिक्लेयर द साइज ऑफ द टेबल बिफोर द स्टार्टिंग। ठीक है, मतलब टेबल का जो साइज़ है वो आपको स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि टेबल का साइज़ कितना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन यू नो स्टोर। अगर आपने इतने सिंबल्स नहीं बनाए हैं, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ स्पेस हियर। लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। देखो, टेबल का डिसएडवांटेज क्या था कि आपको साइज़ पहले से पता होना चाहिए। लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो सर्चिंग टाइम है या फिर लुकअप जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से आपके पास ट्री एज ए डेटा स्ट्रक्चर है, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला तो चैलेंज आपके पास ये है कि आपको किस फॉर्मेट में इन सभी सिंबल्स की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है ट्री के अंदर। मे बी यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ देयर टाइप, मे बी यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज देम इन टर्म्स ऑफ देयर स्कोप, मे बी यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन टर्म्स ऑफ देयर साइज ऑन द बेस ऑफ व्हाट, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज हैश। तो जो हैश टेबल है, हैश टेबल में क्या होगा, द बेस्ट बेनिफिट ऑफ हैश टेबल इज द लुकअप ऑपरेशन विल बी फास्ट, बिकॉज हैश टेबल में जनरली हम अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। बाय द अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ हैश टेबल, जनरली इट टेक्स ऑर्डर ऑफ वन टाइम टू डू अ लुकअप ऑपरेशन। तो अगर आपके नंबर ऑफ सिंबल्स किसी प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा है, then it is always better to use a hash table, because your lookup time can be minimized by using a hash table as a data structure. ठीक है, तो I hope that you must have got a little idea about all of these phases. तो ये सब क्या था, this was just an overview of all of these phases. तो अब तक जो हमने cover किया है, whatever things that we have covered so far, that was the overview of all of these phases. तो अब हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट फेज इज़ योर लेक्सिकल एनालिसिस फेज, और यू कैन से लेक्सिकल एनालाइजर फेज। अब जो ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है, वी आर गोइंग टू स्पेंड द मिनिमम टाइम ऑन दिस, बिकॉज दे हार्डली आस्क एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, हार्डली यू विल गेट एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको स्किप करेंगे, तो इसको स्किप नहीं करना है, because obviously there are some chances that you will get a question based on this, but they are hardly asking any question based on lexical analysis phase. Most of the question that you will get in your examination, they will be from SD, your syntax analysis phase, ki aapko parse tree kaise create karna hai, what are the different algorithms to create a parse tree, zyadatar questions wahan se aayenge. But again, jo lexical analyzer hai, you should have a basic idea. So obviously you can see we can spend very less time on lexical analysis phase. So roughly you can say I will spend 1 hour on lexical analyzer. So let me give you a brief idea कि हम लोग कैसे कैसे continue करेंगे, how we are going to continue our sessions. तो so these are the chapters. The first chapter is your overview.
तो हमने ओवरव्यू जो है अभी हमने वी हैव जस्ट कवर्ड द ओवरव्यू ऑफ ऑल द फेजेस. सो जो ओवरव्यू लेक्चर था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 1 आवर. आपका ओवरव्यू लेक्चर 1 आवर का था. नाउ द सेकेंड लेक्चर सेकेंड चैप्टर विल बी योर लेक्सिकल एनालिसिस. ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर फेज जो है हमारे पास वी आर गोइंग टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर टू 1.5 आवर टू डिस्कस अबाउट दिस लेक्सिकल एनालाइजर फेज. द थर्ड वन विल बी योर सिंटेक्स एनालिसिस. तो जो आपका सिंटेक्स एनालाइजर है सो वी आर गोइंग टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 hours ऑन सिंटेक्स एनालाइजर. द फोर्थ वन विल बी योर सीमेंटिक एनालाइजर. तो जो सीमेंटिक एनालाइजर फेज आपके पास है सो वी आर गोइंग टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 hours ऑन सीमेंटिक एनालाइजर. हम लोग यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे यहाँ पर स्पेंड करेंगे. ठीक है, द फोर्थ वन विल बी योर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है सो वी आर गोइंग टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2 hours और सो. सो यू कैन सी 2 hours टू स्पेंड ऑन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली 3 address code के बारे में डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 address code. ठीक है, एंड देन योर 5th chapter विल बी योर कोड ऑप्टिमाइजर. ठीक है, सो दिस कोड ऑप्टिमाइजर चैप्टर विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 hours. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव समथिंग कॉल्ड एज मिसलेनियस टॉपिक्स. ठीक है, तो जैसे फंक्शन कॉलिंग्स कैसे इम्प्लीमेंट होती है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट विल अप्रॉक्सीमेटली टेक अस 2 hours. सो एंड देन टारगेट कोड जनरेटर विल बी वेरी इजी. सो दिस इज़ वेरी इंट्यूटिव. तो आपके पास जो टारगेट कोड है दिस वन विल बी वेरी इंट्यूटिव, राइट. तो बेसिकली क्या होगा कि जब तक हम इन सभी चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे बाय द एंड टारगेट कोड जनरेटर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि टारगेट कोड जनरेटर कैसे काम करता है. तो बेसिकली अगेन टू जनरेट दिस टारगेट कोड यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया रिगार्डिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया रिगार्डिंग असेंबली कोड. तो आपको असेंबली कोड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस. मे बी आई कैन स्पेंड 1.5 hours to 1 hour ऑन दिस. हम लोग यहाँ पर 1.5 hours से लेकर 1 hour यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं. तो अगर आप चेकआउट करेंगे सो दिस इज़ 1 + 1 = 2, 2 + 10 इज़ बेसिकली 12, 12 + 3 इज़ 15, 15 + 2 इज़ 18, 18 + 2 इज़ 20, 20 + 2 इज़ 22. एंड अगेन यू कैन सी कि हमें रफली पूरे सब्जेक्ट के अंदर 22 to 25 hours वी आर गोइंग टू स्पेंड इन दिस एंटायर सब्जेक्ट. हम लगभग 22 से लेकर 25 hours इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर स्पेंड करेंगे.